राजधानी भोपाल में सीबीआई के एक इंस्पेक्टर को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि रिश्वत लेते पकड़ाए इंस्पेक्टर राहुल राज पर मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच की जिम्मेदारी है। वहीं सीबीआई ने इंदौर और रतलाम में भी कार्रवाई की है, जहां से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले के मामले में दिल्ली सीबीआई की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रदेश के 70 नर्सिंग कॉलेज उनकी रडार पर हैं। सीबीआई को भ्रष्टाचार के कई इनपुट भी मिले हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सीबीआई की एक टीम ने भोपाल में सीबीआई के एक इंस्पेक्टर राहुल राज के प्रोफेसर कॉलोनी स्थित घर पर छापा मारा और उन्हें रिश्वत लेते पकड़ा। सीबीआई निरीक्षक को रिश्वत देने वाले भोपाल के मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग के चेयरमैन अनिल भास्करन और एक मीडिएटर सचिन जैन को भी गिरफ्तार किया गया है। राहुल राज सही सुइटेबिलिटी रिपोर्ट देने के नाम पर रिश्वत ले रहे थे। गिरफ्तारी के बाद चारों आरोपियों को भोपाल में सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सभी आरोपियों को 29 मई तक पीआर पर भेज दिया है। वहीं इस मामले में एनएसयूआई ने बड़ा दावा किया है। एनएसयूआई का कहना है कि उनकी शिकायत के बाद सीबीआई के इंस्पेक्टर राहुल राज की गिरफ्तारी हुई है। एनएसयूआई नेता रवि परमार का कहना है कि जल्द ही अन्य भ्रष्टाचारी निरीक्षकों और नर्सिंग फर्जीवाड़े में शामिल कॉलेज संचालकों और दलालों की जानकारी भी सीबीआई को देंगे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई जांच चल रही थी, लेकिन सीबीआई जांच में कई तरह से फर्जीवाड़ा हुआ, जिसको लेकर एनएसयूआई ने 15 अप्रैल को सीबीआई कार्यालय में शिकायत की थी कि इन नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा सीबीआई जांच की जाए और इन कॉलेजों की जांच करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट तैयार की है। वहीं इसको लेकर दिल्ली सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के में भोपाल, रतलाम और इंदौर शहर में छापे मारकर रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ सीबीआई के अधिकारी और कई नर्सिंग के दलालों को गिरफ्तार किया है। वहीं इसमें कई नर्सिंग कॉलेज संचालक भी शामिल है, जिनको देर रात आज कोर्ट में पेश किया गया और 10 दिन की रिमांड पर लिया गया सीबीआई के द्वारा। वहीं जल्दी एनएसयूआई सीबीआई को अन्य नर्सिंग के दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत करेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।